ये बताइए, जिन लोगों ने शुरुआत की इस शिविर की जब हम लोगों ने, तो खाना कम मिलने से कितने लोगों को दिक्कत हुई, कष्ट हुआ? भूख जिनको तंग की, भूख बहुत बर्दाश्त करना कठिन था, ऐसे कितने लोग रहे होंगे? हैं जी, नहीं, भूख की वजह से तंग हुए और दूसरी दिक्कत से तंग हुए? पहले दिन तो हमने खाना दिया, दोपहर में भी दिया, शाम को भी दिया। अभी नहीं कर रही, मतलब शुरुआत में बहुत तंग तो नहीं किया किसी को? कमजोरी वो दरअसल में हम लोग को लगता है खाना नहीं खाया इसलिए कमजोरी आ रही है। अभी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको भूख नहीं है पर अब कमजोरी निकल गई होगी। आप भी के बीच में ऐसे लोग हैं होंगे जिनको भूख नहीं लग रही और कमजोरी निकल गई, और जैसे जैसे और आगे चलेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल महसूस करो, कमजोरी बिल्कुल नहीं रहेगी। जो लंबी फास्टिंग होती है ना, हम अभी बात कर रहे थे इस प्रक्रिया के बारे में, आपकी एक ऑब्जर्वेशन है ना, आपका जो एक अनुभव रहा उसको जानना चाह रहे थे कि भाई जब ये आपकी पद्धति शुरू हुई, ये उपचार शुरू हुआ, तो भूख से कितने लोग तंग हुए, भूख ने कितने लोगों को पीड़ित किया? ऐसे लोग हाथ उठाएंगे तो अच्छा रहेगा, निसंकोच होके। ठीक, जो हम ये मानते हैं वीकनेस थी, अक्सर हमारी साइकोलॉजी ये केयर करती है कि खाना नहीं खाया इसलिए कमजोरी आ रही है। जनरली सब लोग एक मानसिकता है कि खाना नहीं खाया इसलिए कमजोरी आ रही है। अभी आप के शिविर में आपके बीच में ऐसे लोग होंगे जिनकी कमजोरी धीरे धीरे निकल गई और कुछ भूख नहीं लग रही, खाने का मन नहीं है, और धीरे धीरे और आगे चलेंगे तो एक अद्भुत घटना घटेगी कि शरीर में ताकत आती जाएगी और भूख नहीं रहेगी। अभी हो गया ये, धीरे धीरे जब और आगे चलेंगे तो ताकत भी रहेगी, कमजोरी नहीं रहेगी और भूख नहीं लगेगी। और जब उपवास और गहरा जाएगा तो ताकत आ जाएगी, जीभ साफ हो जाएगी, भूख लगेगी। उस समय भी आहार नहीं देंगे तो शरीर का क्षय होगा, शरीर मांसपेशी गलेंगी, कम होंगी, है ना, फैट कम होगा। तो उपवास पे हम लोगों को कुछ थोड़ी भ्रांतियां हैं। ये जो वीकनेस थी ये इस बात की नहीं थी, जैसे ही आपने खाना कम किया आपको भूख नहीं लग रही थी, और कुछ लोग बिना भूख के खा रहे थे, तो कमजोरी इस वजह से थी, भूख नहीं लग रही थी और खाएंगे नहीं तो कमजोर हो जाएंगे इसलिए खाते रहे वो, तो किसी को उल्टी लगी उस वजह से। जो कई लोगों को उल्टी मेरे सामने लगी, दिक्कत है, चक्कर आ रहा, वोमिटिंग की फीलिंग हो रही, उसका एक कारण था कि भूख नहीं थी फिर भी खा लिया या रस पी लिया। फिर भी कई लोगों को भूख हल्की फुल्की थी और कमजोरी आई है, उस कमजोरी का कारण है कि शरीर अपनी सफाई में लग गया,
गंदगी उभर रही है, छोटे मोटे दर्द, जुकाम, खांसी, इस तरह की प्रॉब्लम आई, वीकनेस भी एक तरह की, वो भी एक स्थिति है। नींद ना आई हो एक दो दिन, किसी को नींद ज़्यादा आई हो, ये सब अलग अलग तरह के लक्षण आए होंगे। तो अब मैं ये निवेदन करूँगा आज कि घर जाके कैसे कैसे क्या करना, और यहीं अभी दो दिनों में क्या करना, एक एक करके बात आगे बढ़ाता हूँ। आज शाम को हम लोग मूंग की दाल का सूप देंगे। मूंग दाल यूस बोलते हैं पुरानी भाषा में, उसी को हम सूप बोलते हैं, आयुर्वेद में उसको यूस बोला। उसको बनाने का तरीका, जितनी सामान्य रूप में आप घर में दाल बनाते हैं उसे पानी थोड़ा ज़्यादा लेंगे। पतली दाल बनाते हैं, पकाते ज़्यादा हैं, ठीक, तो हल्का नमक डाल देंगे, ना भी डालेंगे तो बाद में डाल देंगे। सादा पानी ले करके जब पानी उबल जाए तो दाल डाल देंगे, और दाल जब वो घुल जाए मतलब अच्छी पक जाए तो थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा जीरा, उसका बघार डालते हैं। बघार में एक चम्मच, छोटी चम्मच जो खाने वाली है, वो सरसों का तेल, और एक चम्मच घी, या किसी भूख बहुत कम है तो आधा चम्मच तेल, आधा चम्मच घी, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा हींग। जब तेल और घी एक साथ मिलाएंगे, जब वो थोड़ा घी गर्म हो जाएगा तो जीरा और हींग डाल देंगे। हींग ऐसे इतना ज़्यादा ना हो जो कड़वा हो जाए, थोड़ी मात्रा में है ना, उसका बघार दे देंगे, छौंका दे देंगे। और भूख से जितनी भूख हो, कई बार लगता है भूख अच्छी है पर उतनी भूख होती नहीं, तो भूख से थोड़ा कम लें, सावधानी से लें। अक्सर लोग ज़्यादा ले जाए फिर शाम को नहीं खा जाता, मतलब अगले दिन नहीं भूख लगती उनको, वोमिटिंग की फीलिंग हो जा। तो शांत मन से धीरे धीरे पी, चम्मच से लें या एक एक घूंट करके 10-15 मिनट में लें उसे, जल्दी नहीं, धीरे धीरे इसे आराम से लेंगे तो जीभ को संतुष्टि मिलेगी, फीलिंग होगी हमने कुछ खाया है, ठीक। तो ये मूंग की दाल का सूप। जिनको भूख यहाँ नहीं लगी, घर पे करना चाहते हैं, तो अभी कुछ दिन वो फल पे दोपहर तक तो कोई रस लें, जो भी रस हैं वो लिस्ट अपने पास है। मोटापे वाले पेज में हमने 5-6-7 रस तो एक तरह के दिए हैं, वो जिस पे क्लिंजिंग को फोकस किया, और 6-7 रस थोड़े स्वादिष्ट, हल्का हल्का मसाला या मामूली मीठा शहद ऐसा कुछ डाल दिया, बहुत तरह का, वो थोड़ा टेस्टी बनाए हैं, इलाज की दृष्टि से नहीं, बस थोड़ा सा वजन कम करने की दृष्टि से। तो एक तरह 12-13 किस्म के जूस हैं, वेजिटेबल जूस, सब्जियों के रस, पत्तों के भी थोड़े बहुत होंगे, वो आप अपने ढंग से जो उपलब्ध है वो ले लें। तो सुबह के समय जिनको ज़्यादा दिक्कत है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोई पुरानी बीमारी है, वो सुबह सबसे पहले कोई वेजिटेबल जूस लें। पेठा रस सुबह जल्दी नहीं लेते हम, वो ठंडा होता है। यदि पेठा रस लेना है थोड़ा उसमें अदरक का रस डालें, है ना, तो तब ले सकते हैं। और उसमें लिख रखा है मैंने बहुत विस्तार से, ज़्यादा नहीं लेते, आधा पौना कप लेंगे। यदि पेठा बहुत मैच्योर है, पक्का है, बिल्कुल मीठा ज़्यादा है, इस मौसम में नहीं आता हालांकि वो भी, पर मुझे यहाँ के रखिया का तजुर्बा नहीं है, तो मामूली सा पानी भी डाल लेते हम, खासतौर गर्मी में तो डालते जब वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट होता है। तो 150 ml हमने रस लिया और 50 ml पानी डाल लिया, तो आधा गिलास हो जाता है, पौना गिलास, आधा ही होता है वो ले लें। या सुबह तो हम आजकल का जो सीजन है वो गाजर अच्छी आती है, शुगर के लोग भी गाजर का रस ले सकते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। गाजर, चुकंदर, हरा धनिया, पुदीना, है ना, मामूली सा अदरक, आंवला डाल दें, बढ़िया स्वादिष्ट बना के लें, नमक से बचें सुबह के जूसों में। फिर घर में रह रहे थी आप और लंबा करना चाह रहे हैं,
एक डेढ़ घंटे बाद जब भूख लगे तब दूसरा जूस ले लें, पेठा रस ले लें, कोई नारियल पानी लेना चाहता डाब वो ले लें, है ना। किसी किसी को डाब भी ना एसिडिटी करता है, मतलब 10 में 1-2 लोग ऐसे जिनको नारियल पानी या डाब भी एसिडिटी करता है, ठंडा होता है पर फिर भी कई को करता है। वो अपनी नेचर को ऑब्जर्व कर लें, आपको लग रहा है वो एसिडिटी को बढ़ा रहा है तो मत लें उसको। सफ़ेद पेठा किसी को तंग नहीं करेगा, मात्रा ज़्यादा ना लें, ज़्यादा लेंगे तो घुटनों में दर्द हो जाएगा। लौकी ऑर्गेनिक है, थोड़ा लौकी मिला सकते हैं इसमें पेठे के साथ में, थोड़ा गाजर भी मिला सकते हैं, मिला के लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। आप को एक ही जूस लेना हो तो जो पेठा भी ले लें, गाजर भी ले लें, चुकंदर ले लें, सब एक साथ मिला के ले लें। वेजिटेबल जूस में कई तरह की चीज़ लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब मिनरल विटामिन है, कुछ और ज़्यादा ऐसी कोई भारी चीज़ नहीं इसमें, मिल करके एक नया स्वाद हो जाता है। तो जिनको हेल्थ ठीक करनी, पुरानी बीमारी है, हमारे यहाँ जो मुख्य सुबह के जो रस हैं ये ट्रीटमेंट है हमारा, असली जो ट्रीटमेंट है वो सुबह के रस हैं ये, इसमें फलों के रस नहीं देते हम। 2 रस लें 3 लें वो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियों के हैं, थोड़े बहुत पत्ते भी डाल सकते हैं। शुगर के व्यक्तियों में थोड़े बहुत पत्ते डाले जा सकते हैं, गेहूँ घास का जूस भी इसमें ले सकते हैं मिला के, सहजन के पत्ते थोड़े डाले जा सकते हैं, सूजन हो तो पुनर्नवा के पत्ते डाले जा सकते हैं, भूख कम हो तो भुई आंवला डाला जा सकता है, एक संजीवनी घास है विशल्यकर्णी बोलते हैं, अंदर घाव हो, टॉक्सिन हो, जहरीली चीज़ें ज़्यादा हों, कोई फूड पॉइजनिंग किसी को हो गया हो तो विशल्यकर्णी है, विष को हरती है, अंदर की इंजरी घाव सूजन उसको ठीक करेगी। यहाँ खूब है, संतोष जी दिखा देंगे आपको सब घासें जो यहाँ उपलब्ध हैं, तो वो सब डाल सकते हैं इसमें। तो सुबह के जूस हमारा ट्रीटमेंट है। घर जाके जिन्होंने खाना पी शुरू कर दिया, सबसे पहले चाय को तो नमस्कार कर दें। बहुत लोगों को चाय माफी की नहीं आती, जिनके गर्म मिजाज हैं, पित्त प्रकृति है, गेहूं सा रंग है, वो लेते हैं पर आदत पड़ गई, नशा है वो तो, लत है, इससे मुक्ति पाए तो अच्छा है। वो कोई बढ़िया चीज़ नहीं, कोई बुजुर्ग हैं बॉडी में पेन वगैरह, एक उम्र होगी ठीक है चलो पी लें कोई बात नहीं, सुबह तो ना लें, हम तो शाम को ले लें। सुबह चाय एसिड बढ़ाती है, बढ़िया चीज़ नहीं, फंसा दिया देश ये बाजार ने या कंपनियों ने। कॉफ़ी भी बहुत बढ़िया नहीं, वो भी बहुत मन करता है शाम को ही लें। सुबह तो शोधन के रूप में वेजिटेबल जूस सबसे बढ़िया, वो भी सुबह ना लें। हैं? अब घर में नॉर्मल काम धाम करने लगे एक गिलास पी लो, पर पेठा रस एक गिलास नहीं लेना, वो ठंडा होता है। तो जिन्हें कोई हेल्थ की दिक्कत है, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई भी किसी भी तरह की बीमारी है, वो हमारा जो मिरेकल है वो सुबह सब्जियों के जूस हैं। किसी के लिए जूस संभव नहीं तो सीजन का जो फल आ रहा वो ले लें, पपीता है, अमरूद है, सेब तो यहाँ का लोकल का नहीं, उतना बढ़िया नहीं, फिर भी किसी को माफ़ी का आता है, शुगर के लोगों को हम देते हैं फिर भी वो ले सकते हैं। अनार ले लें, मौसमी मीठी हो, संतरा मीठा हो वो ले लें, आपके यहाँ शरीफा बहुत अच्छा आता है वो ले लें, सीताफल जिसको बोलते हैं, और बाकी गर्मियों में तरबूज खरबूज इस तरह की चीज़ें आती हैं वो ले लें। तो जैसा सीजनल कोई चीज़ें हैं वो फल ले लें। जिनका पाचन कमज़ोर है, नाजुक है शरीर, वो एक समय पे एक ही फल लें, दूसरे समय दूसरा फल ले लें। जो मजबूत लोग हैं 2-3 किस्म के फल एक साथ ले सकते हैं, केला भी ले सकते हैं, पर केला फिर और चीज़ ना मिलाएं उसके साथ, अकेला ही केला लें, और केले के बाद एक छोटी इलायची चबा लें उसको पचाती है। नहीं, केले 2-3-4 लो, कौन सी को अब कब 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 तक रहेगा, जब एक्सरसाइज व्यायाम व्यायाम करोगे प्राणायाम करोगे कब भागेगा, जब कब ठीक हो क्या था? तो बढ़िया चीज़ है, सीजन की चीज़ है। तो दिक्कत ये, हम केले के साथ बहुत चीज़ें लेते हैं
दूध का केले का बढ़िया मेल नहीं है, फिर भी कोई बच्चे हैं एक्सरसाइज करते हैं जिम वगैरह जाते हैं तो दूध केला दे देते हैं जानों को, बीमार के लिए ठीक नहीं दूध केला, किसी को कल्प वगैरह कराना हो तो वैद्य की जानकारी में देते हैं, फिर केला बिना दूध के लिया जाए तो बढ़िया है। कई लोग सेक लेते हैं तो थोड़ा डाल लें, इतना आपत्ति भी नहीं, पर है जी तो सुबह तो फल हो गया, जिनको हेल्थ जिनका वजन ज्यादा है वो फल लें, सेहत जिनकी बहुत बढ़िया नहीं रहती वो फल लें, जितनी बीमार। और नियम तो यह है यदि भूख ना हो तो जूस भी ना लें, ध्यान दें, ये घड़ी में देख के ना खाना खाएं, भूख के साथ खाना खाएं, यहाँ ये से सीख के जाएं, भूख नहीं तो मत लें जूस भी, प्यास नहीं तो पानी भी ना पिए। ये जो डॉक्टर बोलते हैं 2-3 लीटर पीना चाहिए, तो बाबा जब काम करोगे शरीर नॉर्मल होगा 2-3 लीटर पिया जाएगा, पर बिना प्यास के पिएंगे तो बीमार बनाता है प्यास पानी। ड्राई फ्रूट जो भिगो के लेते हैं ना, आजकल कई कंसेप्ट आ गए नए नए, एक कंसेप्ट आया ऑटोफैगी, सुना होगा आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुना, और नहीं सुना किसी ने, अरे एक ही शिविर में सुना भाई ऑटोफैगी। जापान के फास्टिंग को पिछले 10-12 वर्षों में मॉडर्न साइंस ने जगह दी है, इससे पहले फास्टिंग पे मॉडर्न साइंस ने कोई काम नहीं किया था, आधुनिक विज्ञान ने फास्टिंग को पहली बार स्वीकारा पिछले 5-6 सालों में, 7 सालों में 2 नोबेल प्राइज ऐसे लोगों को मिले जिन्होंने फास्टिंग पे काम किया है। एक जापान के मेडिसिन का एक पुरस्कार था, शायद उसको 6-7 साल हो गए होंगे, 2015 में शायद या 14 में मिला था, वो मेडिसिन में था, उन्होंने उनके जापान की परंपरा में कोई फास्टिंग कर रहा होगा तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को फास्टिंग करा करके बीमारियों को ऑब्जर्व किया और बीमारी ठीक की। तो फिर उन्होंने कोई ऐसा रास्ता निकाला कि खाना पीना भी होता रहे लोग ठीक भी हो जाएं। तो वो लोग ये बोलते हैं कि भोजन दिन में केवल 2 बार ले और भोजन के बीच में 6 से लेकर 8 घंटे का गैप हो। दिन में भोजन आपने लिया मान लो 11 बजे लिया तो दूसरा भोजन 11 और 6 कितने 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे, तो 6 से लेकर 8 घंटे का गैप 2 भोजन के बीच में भूख के अनुसार, भूख जल्दी तो 6 घंटे में ही ले ले और फिर जो उसके बाद जो भोजन है अगले दिन लें वो 18 घंटे का, 16 से 18 घंटे का गैप हो हैं, इसको ये इंटरमीडिएट फास्टिंग बोल रहे हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं कि खाना भी ले रहे और फास्टिंग भी कर रहे हैं। तो बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज उस तरह से करते हैं, जो भी लेना है बस 2 बार ले लो, वो तो सब उसी में देते हैं। हाँ ऑटोफैगी की यदि बात करोगे तो, पर ऑटोफैगी सबको माफिक नहीं आई, सबके रिजल्ट नहीं देती, बहुत लोग के अच्छे रिजल्ट आते हैं, आप प्रयोग करके देखें 1-2 महीना प्रयोग करें कोई दिक्कत नहीं, जब पता लगेगा दोबारा विचार कर लेना। हम लोगों ने विचार किया कि जिनको जो नाजुक लोग हो गए, कमजोर लोग हो गए या मोटापे पे भी, इवन मोटापे पे भी जब भूख लगती है थोड़ा सा तब दे दें, और ऐसी चीज देते जो भूख को कम कर दे, शरीर में कोई वेट वगैरह ना बढ़ाए। जब भूख लगी कोई वेजिटेबल जूस ले लिया, जब भूख लगी वेजिटेबल जूस ले लिया, जब भूख लगी कोई फल खा लिया, बात समझ में आ रही। और एक समय हम ऐसा खाना देते हैं जो वजन नहीं बढ़ाए, ऐसा लग रहा पेट खाना हो गया,
एक समय अन्न वगैरह का ठीक से खाना देते हैं, वजन भी कम हो जाता है। तो आप जरूरी नहीं कि ये इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, आप ये तय करें, दोनों प्रयोग करके देखें, तो जो जिसके रिजल्ट आपको अच्छे आए वो अपना लें। जहाँ तक आपका सवाल था कि ड्राई फ्रूट्स का क्या करें, एक तो ड्राई फ्रूट्स को ठीक ठीक समझें किसको कह रहे हैं। जो मीठे फल हैं उनको आम भाषा में ज़्यादातर देश में मेवा बोला, आजकल उनको ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, अर्थात सूखे फल। उन सूखे फल में जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, मिठास है, उनको मेवा या ड्राई फ्रूट्स बोल रहे। उनमें क्या क्या है, मुनक्खा है, किशमिश है, आपका ये अंजीर है, छुआरा है, खजूर है ना, काजू नहीं, खुबानी है, ये आलू बुखारा है, ये सब आएंगे ड्राई फ्रूट्स में, या बेर हैं, ठीक, ये आएंगे आपके ड्राई फ्रूट्स। और नट्स क्या हैं, नट्स हैं बादाम है, काजू है, चिरौंजी है, पिस्ता है, अखरोट है, ये जिसमें फैट प्रोटीन ज़्यादा हैं, ये सब आएंगे नट्स में। तीसरी चीज़ है सीड, बीज जिसको कह रहे, चारों मगज, तरबूज, खरबूज या खरबूजा, कद्दू, खीरा और ककड़ी। परंपरा में चार का नाम लिया जाता है, किसी इलाके में ककड़ी है, किसी इलाके में खीरा है, तो जो मिले वो ले लें। बाकी कोई वैद्य जानता है उसको खीरा देना ककड़ी देना वो पूछ ले उनसे। तो इनको बोलते हैं मगज, इन्हीं को सीड बोलते हैं, बीज बोलते हैं। एक ज़माने में पुराने, शायद 1000-1200 साल पहले तक जो थे वो चारों, ये इनका लंबी परंपरा चार होगी, वैद्य लोग बहुत प्रयोग कराते हैं इनको। एक परंपरा है आजकल सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीज को भी बोल लोग बहुत महत्वपूर्ण मान रहे, तो उसको भी हम मगज में शामिल करने लगे। ये शास्त्र में पहले नहीं था, ठीक। तो एक बात ये मगज हो गए। अब ये जो नट्स कह रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स कह रहे हैं, जो भिगो के चबा के खाते हैं वो माने 80% वेस्ट जा रहा और शरीर पर लोड पड़ रहा, हम उतना चबा नहीं पाते। बादाम को खास तौर से और मगज को, इनको बहुत जितना बारीक पीसेंगे उतना गुणकारी है, तो पीस के लेना चाहिए। बाकी आप सिलबट्टे पीसें तो और अच्छा, व्यायाम भी हो जाएगा, काम भी नहीं हमारे पास, नहीं भिगो के। इन सबको 4-8-10 घंटे भिगोते हैं, सर्दी में 8-10 घंटे भिगोते हैं, तो सुबह उसको मैं प्रयोग अलग से बता दूंगा प्रयोग कैसे करेंगे। फिर एक खसखस है, पोषत बोलते हैं, पोस्तो बोलते हैं, खसखस बोलते हैं जी, पोस्ता, हाँ पोस्ता दाना बोलते हैं, तो इसको खसखस बोलते हैं। ब्रेन टॉनिक है, नींद के लिए बढ़िया है, कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, इसको भी आप सीड में शामिल रख सकते हैं। तो ये चीज होगी एक सामान्य रूप से। तो मैं अभी जो बात कर रहा था ये बाद में वर्णन करूंगा इसका, अभी मैं वर्णन कर रहा था आपको हमने शाम को दाल दे दी, अब मूल बात पर आते हैं, है ना। तो पहले कल तक ये 2 दिन तक का पूरा कर लें, उसके बाद में चलेंगे। तो आज शाम को जिनको भूख अच्छी लगी है या जिनको जाना है, भूख नहीं भी लगी खोलना है, घर में नहीं कर पाएंगे, वो मूंग दाल का सूप ले लेंगे। बात पकड़ में आ गई, वो मूंग दाल का सूप ले लेंगे शाम को, जूस की जगह, फल की जगह। जिनको घर में भी करना है और नमकीन वगैरह लेना है, जब तक नमकीन का मन नहीं कर रहा फल पर रहें। जब ऐसा लग रहा नमकीन से फल से बोर हो गए, चेंज चाहते हैं और अब खोलने का मन कर रहा, तो मूंग की दाल लेने से भूख बढ़ने लगेगी।
तो जो जिनको अभी भूख नहीं लगी, जो घर में करना चाहते हैं, कुछ साथी करना चाहते हैं, वो करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अभी जूस, सुबह तक जूस, सुबह के बाद फिर जब भूख लगे तो दोपहर में फल, और शाम को 4-5 बजे मीठे फल, खट्टे मीठे फल। शाम को 4-5 बजे भूख लगती है, संतरा है, मौसमी है, अनार है, ये जो फल हैं वो शाम को उनके लिए बेहतर है, 4 और 6 के बीच में। ठीक, शाम को फिर कोई फल ले लें, जब रात को 8-7-8 बजे जो भी आपको पसंद हो, पपीता है, सेब है, जो भी आपको लगता हो, या और कुछ नहीं मिलता, मुनक्खा, अंजीर, किशमिश भिगो के इस तरह के फल ले सकते हैं। तो फल पर जब तक रहें, रस पर फल पर एक रास्ता तो ये है, जो घर पर करना चाह रहे, घर पर जो करना चाह रहे, एक रास्ता ये, आपने खोल दिया, आज सूप ले लिया, चावल ना ले कल, और शाम को कुछ सूप बनवा लें, सब्जी का सूप ले लें, दाल का सूप ले लें, दोनों मिला के ले लें, शाम को सूप ले लिया, और दिन भर में फल और सुबह रस, एक तरीका ये हो गया। एक तरीका ये हो गया, मोटापा ज़्यादा है और कम पड़ता है, भूख लगती है, तो शाम को इसमें सब्जी डाल बढ़ा लें, जो सब्जी है, सब्जी में पत्ता या गोभी से बचें, गैस करती है कई लोगों को सब्जी, परवल बहुत बढ़िया श्रेष्ठ सब्जी है, परवल है, लौकी है, कद्दू है, लाल कद्दू है, सफ़ेद कुमड़ा जिसको रखिया बोलते हैं वो है, और आपका मटर, थोड़े मटर भी डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, तो बढ़िया सब्जी लें, तो सब्जी से पेट भी भरेगा और वजन भी कम होगा। तो शाम को सब्जी ले लेंगे, पर उससे पहले शुरुआत करेंगे मूंग की दाल से सूप के, शुरुआत में 1-2 दिन मूंग की दाल का सूप लें, फिर सब्जी बढ़ाएं, और फिर सब्जी लग रहा कम पड़ रही है तो फिर किसी दिन चावल ले लेंगे। चावल कैसे, कल हम जो चावल देंगे आपको, जिनको आज दाल ले देंगे, कल चावल देंगे, उसको हम 10 मूल का चावल बोलते हैं, गीला चावल, 10 मूल का चावल। 10 मूल का चावल कैसे, 10 ऐसे औषधीय पौधे हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, उनकी जो जड़ है उनको लेते हैं, महिलाओं के उपचार में इनका काफ़ी योगदान रहता है, और इनकी जड़ों को कूट पीट के वो बना लेंगे दरदरा, जो कूट बोलते हैं उसको, दरदरा सा कूट लिया, और कूटने के बाद एक कपड़ा लेंगे, कोई 1-1.5 इंच चौड़ा, 1-1.5 इंच लंबा, चकोर कपड़ा ले लिया कोई, मार्किन मलमल बारीक, उसके ऊपर इस 10 ग्राम के लगभग 2 छोटी चम्मच, वो उसके ऊपर कपड़े के ऊपर उसको रखेंगे, कपड़ा साफ धो लेंगे पहले से, और उसके ऊपर धागा लपेट देंगे, पुटलिया बना के, और पानी में डाल, जब चावल जिसमें बनाने हों, जितना नॉर्मल आप घर में चावल बनाते हैं उससे दुगना पानी ले लें, थोड़ा चावल, जितना आप चावल ले लें माने, जितना आप चावल के पानी डालते हो ना, उससे दुगना पानी डाल लें, ज़्यादा पकाएं। तो 10 मूल की वो पुड़िया पानी में डाल दी, जब पानी उबल जाए चावल डाल देंगे, और चावल को ज़्यादा पकाते हैं, पकाने के बाद जब चावल पक गया, उतार लिया, और गरम गरम जब चावल रहते हैं, बहुत तेज़ गरम में से ना निकाल लें, जब थोड़ा गरम है तो वो मांड को बाहर निकाल देंगे, छान मांड निकाल के अलग कर देंगे, छलनी में या जैसे भी आप निकालते हो, या ढक्कन लगा के निकाल दें। तो ये गीले चावल बनते हैं 10 मूल के, ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और इनकी तासीर मतलब तीनों प्रकृति के लिए माफिक आते हैं, कफ नहीं करेंगे, जुकाम नहीं करेंगे, सबको हजम हो जाएंगे। तो कल के दिन दोपहर में हम ये मूंग की दाल का सूप जो आज हम देंगे वही सूप बनाएंगे दोबारा दोपहर में, और थोड़ा चावल देंगे, इसके क्या सलाद को, सलाद की कोशिश ना करें, सब्जी की कोशिश ना करें, कुछ और मत ले, मिठाई का तो सवाल ही नहीं है कोई, हाँ मतलब कभी लोभ में ना फंस जाए, फिर मेरे ऊपर वो कलंक ना लगाएं, बहुत नाजुक हो गया जब कई दिन से अन्न नहीं खाया, आपका लग वो गन छूट गया था, मतलब एक तरह से 26 तारीख से ना, 25 को ही दिया था हमने खाना दोपहर में, 26 को शाम को दिया, लेकिन दोपहर में तो बंद हो गया था, धीरे धीरे किसका 26-27 को छूट गया, किसी को 28 को छूट गया, तो 6-7-8 दिन आपने खाना नहीं खाया, तो जब
एक तरह से कहो तो आमाशय सिकुड़ जाता है थोड़ा स्टोमक, तो इसको स्मूथ बनाने के लिए बहुत बहुत नाजुक ऐसी चीज़ देते हैं जो सुपाच्य हो, पाचन हल्का हो और कोई कफ जुकाम ना बढ़ाए, गर्मी ना पैदा करे, शरीर के लिए सहज हो। तो दस मूल के काढ़े में ये चावल देते हैं। जो नाजुक लोग हैं एक दिन दोपहर में ऐसा ही और कल अगले दिन और ले लें। शाम को यदि भूख लगती है कल के दिन तो कोई नमकीन दलिया थोड़ा सब्जी डाल के लौकी डाल लें या पपीता डाल लें या दोनों डाल लें और नमकीन दलिया बना लें। जिनको शुगर वगैरह हो जौ का दलिया बना लें, जौ लें और उसमें आपको ये क्या नाम सब्जी डाल के दलिया बना लें। खिचड़ी थोड़ा मल को बांधती है, किसी किसी को कब्ज करती है, तो खिचड़ी देते हैं लेकिन एक दो दिन बाद। कोई जिनको स्वादिष्ट खिचड़ी ज़्यादा लगती है, जो आपके बहुत लोग यहाँ परंपरा दलिया की नहीं खिचड़ी की है, तो पतली खिचड़ी मूंग दाल की खिचड़ी लें। पहले दिन जो दाल देंगे वो धुली दाल देंगे मूंग की, छिलके वाली नहीं देते, छिलके वाली दाल गैस बनाती है। जैसा कल आपने दोपहर में दाल चावल ले लिया, चार पाँच बजे फिर कोई फल ले लो या फलों का रस ले लो भूख लगे तो, और फिर शाम को हल्की कोई सब्जी या दलिया या आधा रोटी, जैसा आपको सहज हो, भूख से थोड़ा कम शांत मन से चबा चबा के लेंगे। अगले दिन संभव हो तो सुबह रस फल, दोपहर को फिर वही मूंग की दाल और चावल और शाम को रोटी सब्जी। इसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल कर दें। कोई मान लो रोज सफर में जा रहे, दो दिन चावल नहीं ले पाते, यात्रा में जाना, घर में कोई काम है, तो फिर अगले दिन से थोड़ा थोड़ा रोटी शुरू कर दें, सब्जी रोटी शुरू कर दें दोपहर में। अपनी परिस्थिति अनुसार जितना आप करना चाहें, जो वो आपकी प्राथमिकता के ऊपर है। तो ये जो मैंने बात कही भोजन के बारे में, कन्फ्यूजन तो नहीं कोई? जिनके वजन ज़्यादा हैं, मोटापा ज़्यादा है, काम ज़्यादा नहीं करते, वो मेरी उम्र ज़्यादा होगी, 50-60 हो, 50 के हो गए, वो एक समय भोजन लें ज़्यादा उपकारी है। सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लिए परंपरा ही 24 घंटे में एक बार सुपाच्य, 24 घंटे में एक बार ठीक ठाक भोजन होना चाहिए। कभी नहीं भी हो तो दुखी ना हो। अभी तो तुमने 8-10 दिन ही लिया, मन खुश होना चाहिए, मन मामूली मामूली बात में मन परेशान ना हो, मूड खराब ना हो। तो पर 24 घंटे में एक बार ठीक ठाक भोजन बढ़िया मिल जाए, बढ़िया का मतलब ही नहीं बहुत सारे मिष्ठान और वो हों, पौष्टिकता की तरह से सारे तत्व उसमें हों, ऐसा भोजन एक समय लें। परंपरा में दोपहर का भोजन रहा भारत में, मध्य भारत उत्तर भारत में दोपहर में भोजन ठीक ठाक, शाम को हल्का। लेकिन जिनको नींद की, ध्यान दे मेरी बात सुनो सुनो, आपस में बात नहीं बाद में करो बात। जिनको, अब ये महत्वपूर्ण सब बात मुद्दा है, जिनको नींद अच्छी नहीं आती, नींद की दिक्कत है, बेड पर गए 10 बजे 2 घंटे तक करवट बदले नींद नहीं आई, या रात को नींद तो आ गई 10-15 मिनट आधा घंटे बाद और रात को आँख खुल गई फिर नींद नहीं आती, तो उनकी ज़िंदगी में ग्रहण शुरू हो गया। ग्रहण शुरू हो गया मतलब, ग्रहण मतलब थोड़ा, मतलब वो एक तरह से फिक्र उनको आ गया, चिंता आ गई, वात बढ़ गया, गैस बढ़ गई, एक तरह से शरीर के लिए वो शरीर के लिए नेगेटिव घटना शुरू होगी, मन के लिए भी तन के लिए भी, उसको ठीक करें। तो एक जमाने में दोपहर का भोजन बढ़िया रखते थे। हमारी दृष्टि में जिनको नींद की प्रॉब्लम होगी वो दोपहर का भोजन हल्का करे और शाम का भोजन ठीक ठाक करे। जिनको नींद की दिक्कत है तो नींद ठीक आ जाएगी। एक बात, दोपहर के भोजन के लिए एक शर्त है कि कम से कम 1-1.5 घंटे विश्राम मिलना चाहिए, आराम का टाइम मिले तो दोपहर को भोजन करो। ये भागते दौड़ते गाड़ी चलाते भोजन करना ये कोई बढ़िया घटना नहीं है। बात कर रहे, टीवी देख रहे, भोजन कर रहे, उन भोजन को बहुत महत्व दिया जा। भोजन अच्छी जिंदगी की बड़ी घटना है हमारे, दिन भर पापड़ बेल ले कारोबार कर रहे, खाने का भी हमें होश नहीं, टाइम नहीं। तो कम से कम दोपहर का भोजन, जिनको आराम से भोजन से 15-20 मिनट आधा घंटे पहले भारी काम करे थे, आधा पौना घंटे पहले काम छोड़ दो, हल्का फुल्का भी काम करे 15 मिनट पहले वो भी छोड़ दो,
रिलैक्स हो जाओ, बच्चों को खिलाओ, मस्त हो जाओ और शांत मन से चबा चबा के भोजन करो और भोजन के बाद थोड़ा रेस्ट करो, सोना नहीं है, लेट गए बैठ गए काम नहीं करते, उसमें भागना दौड़ना नहीं करते, तो आधा पौना घंटा घंटा आराम करेंगे तो गर्मी में तो आधा घंटा एक घंटा भी आराम कर सकें, सोने से बचे, सर्दी सोने की लिए वैसे भी ठीक नहीं बहुत ही, किसी को सोना है तो गर्मी में मई महीने में या थोड़ा जून भी 5-10 जून तक थोड़ा बहुत सो सकते हैं, बचे तो अच्छा है, ना सोए तो। ठीक, तो ये भोजन के बारे में मोटी मोटी बात होगी। अब रही क्रियाओं की बात, सुबह यहां आप क्रिया करते थे, उठते गरारे करते थे, गरारे के बाद पानी पी के निकालते थे, कुंजल करते थे, वमन करते थे, पलटी करते थे, जो भी नाम दें, गजकरणी, बहुत सारे नाम दिए जा सकें, और उसके बाद आप क्या करते थे, जल नीति करते थे, या किसी को नाक में ज़्यादा दिक्कत थी सूत्र नीति कराई होगी, किसी किसी को रबर नीति कराई होगी, किसी ने करी होगी तो सबको नहीं करते प्राथमिक शिविर में हम, फिर भी किसी को करा देते। अब घर में कुंजल की आदत से बचे, पानी पी के निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं पड़नी चाहिए, कई लोग खाते रहे, एसिड बढ़ता रहे, कब बढ़ता रहे, कुंजल करते रहे, वो ठीक नहीं है, वो रोगी बनाना शरीर को, तो पानी पीने की क्रिया तो कम से कम जरूरत पड़े ना करे तो अच्छा है, पर महीने में 1.5 महीने में 2 महीने में कभी लगा कफ बन गया, जुकाम काम हो रहा, कफ आ रहा, तो पानी पीकर कुंजल कर ले, खाना भारी हो गया, जुकाम खांसी में कुंजल मदद करता है, एसिड में मदद करता है, पर बेसिकली कुंजल कफ का निदान करता है। तो कुंजल की लत ना डालें, कि लोग रोज करें, उन्हें एसिड बढ़े, मुंह में पानी सा आता है, वोमिटिंग सी होती है, और कुंजल करते रहें, वो उपाय नहीं। खाने पीने को ठीक करें, खाने पीने में गड़बड़ है, तनाव है, उसको ठीक करें। जल नीति की रोज जरूरत नहीं है, किसी को माइग्रेन है, सर दर्द है, जुकाम है, कुछ दिन कर ले, और धीरे धीरे नमक को कम करे, पर इतना कम ना करे जो नाक में दिमाग में पानी ऐसा लगे रगड़ सी लगती हो। तो कफ वगैरह बनता तो गरारे कर लें, नहीं तो सामान्य पानी से जीभ रगड़ दिए, तालू रगड़ दे, कोई जरूरी नहीं गर्म पानी करना, ताज़ा पानी हो तो, और जुकाम उकाम है तो करते रहें कुछ दिन, फिर कभी छोड़ दें, कभी कर लें, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें, हफ्ते में 2-3 बार कर लें, जैसा सहज हो वैसा कर लें, पर जिनको कफ वगैरह बनता है वो रोज़ भी कर सकें गरारे वगैरह, जुकाम खांसी जिनको रहता है, गले की प्रॉब्लम, टॉन्सिल वगैरह है, कर सकते हैं, पर सामान्य व्यक्ति तो रोज़ की जरूरत नहीं, कभी हफ्ते में धूल धाड़ का जैसा रायपुर शहर है, दिल्ली जैसे शहर हैं, हफ्ते में एक बार जल नीति कर लो या 2 बार कर लो, रोज़ की जरूरत नहीं है सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को। यहाँ तो कैंप में थे तो कुछ काम नहीं और नहीं था, चलो करते रहे उसको भी रोज, सफाई सफाई के लिए किया यहाँ तो। ये जो जिसको रुचे सो पचे, सर्दी में किसी को गुनगुना पसंद है गुनगुना ले ले, ताज़ा पसंद है ताज़ा ले ले, जरूरी नहीं गर्म लें, पर कई लोगों को गर्मी सर्दी में गर्म पानी रुचिकारक सा लगता है, अच्छा लगता है, तो गर्म पानी ले ले, जरूरी नहीं गर्म पानी ले, और प्यास हो तो ले, प्यास ना हो तो ना ले। फिर भी मैंने कहा था सुबह प्यास ना भी हो या हल्की हो तो एक गिलास तो ले सकें, पर ये चरचर गिलास लेना, 1.5 लीटर 1.25 लीटर पानी लेना, ये जरूरी नहीं है, ठीक नहीं है, प्यास के अनुसार पानी पिए। इसके बाद नाक में घी तेल डालने का है, सहज हो अवसर हो डाल लें, जुकाम उकाम रहता हो तो डाल लें, नहीं तो छोड़ सकते हैं, या शाम को सोते समय डाल सकते हैं। तो आपने गौरव से पूछा होगा वैद्य के हिसाब से अपने ढंग से कि हमको तेल डालना, कौन सा तेल डालना, कौन सा घी डालना, उसके हिसाब से अपना घी तेल डाला जा सके, कई मेडिकेटेड घी आ रहे, कई सामान्य, वो तो अपने ढंग से डाल लें, गुनगुना डाल लें, पर हल्का सा गुनगुना, ठंडा नहीं।
आसन प्राणायाम तो रोज कर सकते हैं, हफ्ते में एक दिन मना भी कर सकते हो समय नहीं तो, पर रेगुलर करना चाहिए। और मेरी दृष्टि में आसन प्राणायाम कम है, आसन भी करें प्राणायाम करें थोड़ा जॉगिंग। यंग लोग हैं 50-60 साल तक यदि सेहत अच्छी है तो क्या कर सकते हैं, 100 मीटर तेजी से चलें, 100 मीटर हल्का दौड़ें मीडियम जैसा, फिर 100 मीटर तेजी से चलें, फिर 100 मीटर दौड़ें। 40 साल से लेकर 60 साल के लोगों के लिए ये बढ़िया एक्सरसाइज है। धीरे धीरे करें, पहले एक राउंड करें फिर दो राउंड करें, धीरे धीरे बढ़ाएं, कम से कम 10-15 मिनट करें ऐसा। फिर कुछ एरोबिक एक्सरसाइज कर लें जिसमें सांस तेज़ी से लेते हैं, इंजन दौड़ है, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जिसमें सांस 2 मिनट में सांस फूल जा, तो एरोबिक एक्सरसाइज की जा सकती हैं। सर्दियों में मालिश करें, अपने आप ही करें, एक्सरसाइज भी होगी, तेल मालिश तो अपनी चमड़ी के हिसाब से, कोई सरसों के तेल की करें, कोई नारियल तेल की करें, कोई तिल के तेल की करें, जैसा आपको अनुकूल आता हो मालिश कर लें। तो ये मोटे मोटे सेहत के लिए मैंने कुछ छोटे छोटे सूत्र बताए, और भूख से भोजन, बिना भूख के भोजन, भूख नहीं तो भोजन ना ले, प्यास नहीं तो पानी ना पिए, और एक बार में बहुत ज़्यादा पानी ना पिए, सामान्य सुबह के बाद में, सुबह तो 2-3 गिलास, प्यास हो 2-3 गिलास भी ले लें, पर ज़बरदस्ती नहीं पिए बिना प्यास के। हाँ जी, खाने के एक सवा घंटे बाद पानी पी लें, और खाने से 1 घंटा पहले पी लें, 1.5 घंटा पहले पी लें। खाने के बीच में भोजन खुश्क है, रसे वाली चीज़ नहीं, दाल नहीं है, है ना, कोई सूप टाइप की चीज़ नहीं है, तो 2-3 घूंट पानी भोजन के बीच में पिया जा सके। भोजन के आखिर में पानी पीते तो वजन बढ़ता है, और वो वजन अच्छा वजन नहीं, नेगेटिव वजन बढ़ता है। और कोई सवाल हो तो पूछें, वो लिस्ट है, मैं संतोष जी ने भेज दी होगी सबको, मिल गई होगी, वो ले लें। और नहीं तो सब जगह 10 मूल का काढ़ा बड़ा बनाया आता है, और नहीं बनाया होगा तो यहाँ से मंगा लो, ये मंजीत जी ला देंगे कूट पीट के, वो अपना 1-2 चम्मच ले जाना अपना, 5-15-20-20 ग्राम, मैक्सिमम 25 ग्राम की ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, वेस्ट जाएगा। जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, नाजुक लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, हाजमा बहुत कमज़ोर हो गया, घर में उनको रोज 10 मूल का चावल दे सकते हो रोगी व्यक्ति के लिए। ऐसा लोग बोल रहे, मेरा खुद का अनुभव नहीं है कि खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में दर्द हो रहा है, वायु आ जा, प्रवेश कर जा खड़े होकर पानी पीने से, तो पानी पीना, बैठ के ही पानी पिए, ये ज़्यादातर लोग कह रहे हैं। पेशाब का तो ऐसा है कि जो यंग लोग हैं उन्हें तो बैठ के ही करना चाहिए, कमर की एक्सरसाइज भी हो जाए उसमें, कमर का वो भी जो पीठ के जो मूवमेंट हैं वो भी ठीक हो जाए। और जो बुजुर्ग लोग हैं, पुरुष खास तौर से, उनको प्रोस्टेट वगैरह की प्रॉब्लम होने लगती है, वो खड़े होकर पेशाब करें ज़्यादा अच्छा है। और कोई बात, परंपरा में तो, और जो मुझे भी ठीक लगता है कि मट्ठा, दही, छाछ, लस्सी, मट्ठे की या दही की ना, ये सब सुबह सबसे बेहतर है, दूध शाम को बेहतर है, बच्चे की अलग बात है, और फल सुबह ही अमृत, सुबह बढ़िया है। ये सलाद जो है ना शाम के भोजन में ठीक नहीं है, खास तौर से कच्ची सलाद, ककड़ी है, खीरा है, गाजर है, मूली है, पत्ता गोभी है, ये सब शाम को गैस करती हैं, बढ़िया नहीं है, ये सुबह ही लेनी चाहिए। हमारे यहाँ देसी कहावत है गांव में, सुबह मूली अमृत है, दोपहर को मूली मूली है, शाम को मूली सूली है, गैस बढ़ाती है, दर्द करती है, बॉडी पेन करती है।
शाम को थोड़ा टमाटर की सलाद, प्याज थोड़ा चल सकता है किसी को कोई लेता है तो, और बचे नहीं। मेरे ख्याल खा सकते हैं, मुझे तो, हमने तो कभी खा ली हम तो, अब मेरा इस पर बहुत अध्ययन तो है नहीं। पथरी का बीज नहीं, पथरी वालों को टमाटर को मना किया, बैंगन टमाटर है ना, इसको थोड़ा मना किया। बैंगन ले सकते हैं कभी कभी सामान्य रूप से, पर जिनको पथरी है गॉल ब्लैडर में या किडनी में, उनको मना करते हैं, परहेज रखते हैं उसका। क्या आप जैसे लोग तो रोज लें, कुछ करते हैं नहीं, वजन वजन बढ़ा रखा, टॉक्सिन अच्छा शरीर में, तो सुबह रोज लेते रहे फल उपलब्ध हो तो घर में। हैं जी, कभी कभी तली खा ले, पर रोज खाएंगे तो भारी पड़ेगा। हैं जी, पूरा नहीं सुन रहा मुझे आपकी बात। खा सकते हैं, कोई दिवराई नहीं। सब्जी भी शाम को खा सकते हैं, लोगी तोरी टिंडा सब शाम को खाया जा सकता है। कच्ची सब्जी की बात कर रहा हूं मैं, सलाद की। फिर ये ध्यान दें, जो पतले लोग हैं सब्जी ज्यादा खाएंगे तो और पतले होंगे, वजन कम करती है सब्जी ज्यादा। अब घी तेल करके हो सके ना करे, घी तेल ज़्यादा डाल दोगे, चिकना ज़्यादा डाल दोगे, शायद ना करे उतना। पर यदि साधारण बॉयल सब्जी खाते हैं, गांव में तो देसी अभी डालने लगे ज़्यादा तेल, नहीं तो गांव में तो सब्जी में थोड़ा सा तेल या घी डालते थे मामूली सा ना, पहले फ्राई जैसा नहीं करते थे, कभी कभी कर लिया त्यौहार पर 10-15 दिन में, नहीं सामान्य रूप से हल्के से तेल घी में सब्जी को बघारते थे, छोंक देते थे, तो सब्जी तो खाई जा सकती है। सब्जी में बहुत तेल और उनको बहुत फ्राई व्राई करके खाते हैं, गुण वो कम हो जाए, चीज़ तत्व कम हो जा, कभी कभी चलेगा, रेगुलर नहीं। हाँ जी, अच्छा है, थोड़ी बहुत, बहुत मोटे हों तो अलग बात है, थोड़ी बहुत फैट से भी कैलोरी, 20% जो कैलोरी है वो फैट से लेनी चाहिए, तो चिकनाई तो लेनी चाहिए, घी घी तेल जो भी है वो लेना चाहिए। हाँ, प्रेशर कुकर की जगह आजकल लोग प्रेशर कुकर के पक्ष में नहीं है बहुत लोग, मैंने तो कोई रिसर्च नहीं की, पर ये बात आ रही है उसमें बहुत तेज स्टीम बनती है, प्रेशर ज़्यादा जाता है, वो सब्जी के लिए बेहतर नहीं है, तो भिगोने में ही ठीक है, या हांडी में, जो मिट्टी की हांडी में सबसे बेहतर है सब्जी, साग सब्जी सबसे बढ़िया, दाल उसके हमको कोई मुकाबले नहीं। अब तो ऐसी ऐसी हांडी आने लगी जो हीटर पे भी चल जाए, गैस पे चल जाए, आजकल मिट्टी के बर्तनों का बहुत क्रेज हो रहा, आजकल मिट्टी के बर्तनों का, हाँ जी, आजकल मिट्टी के बर्तनों का बहुत क्रेज हो रहा है, खूब फैशन में आ गए, और लोग कह रहे हैं कि कुकर के, कुकर से भी शुगर की जो डायबिटीज है उसमें प्रेशर कुकर भी एक योगदान है उसका, कुछ लोगों ने प्रेशर कुकर छोड़ करके सामान्य खाना खाया, उससे शुगर में आराम हुआ है, ऐसा लोग का ऑब्जर्वेशन है कुछ। है जी, रोज तो तंग करेगा, कभी कभी तो खा लो। हाँ जी, रोटी, हाँ देखो बेटा, प्रोटीन तो दालों में भी है, प्रोटीन दूध में भी है, मट्ठे में भी है, मट्ठे में तो फैट ही तो निकला ना, प्रोटीन तो पूरा है, लस्सी में प्रोटीन है, और इसके अलावा दालों में, हाँ इसके अलावा थोड़ा गेहूं में प्रोटीन है, जौ जई में प्रोटीन है, गाजर में, मक्का अन्न में भी प्रोटीन है, पर कम है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, दालों में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है, प्रोटीन ज़्यादा है। दाल ले सकते हो, पनीर भी ले सकते हो, मट्ठा दही ले सकते हो,
अकेले एक ही चीज के पीछे ना पड़े, आज टेस्ट का भी अपनी ध्यान रखे हैं, अदल बदल के लेते रहे जी। मैं दोनों को प्राथमिकता देना चाह रहा हूं। जब यदि देखो सबसे श्रेष्ठ फल तो फ्रूट है, पर फ्रूट में केमिकल ज्यादा आने लगे, पर आपके घर का फ्रूट है, केला अपने घर का है, अमरूद घर का है, लोकल है, अमरूद में ज्यादा केमिकल नहीं डाले जा रहे आजकल, पपीते में शायद पता नहीं मुझे, आपको बताओ छत्तीसगढ़ में कितना केमिकल पड़ रहा है ना। तो बिना केमिकल बिना रासायनिक दवा जहर खाद के जो फल मिल सके सब्जी मिल सके नहीं चाहिए, तो फ्रूट सुबह के खाने में तो दोपहर में सलाद लो, और मोटे हो तो सुबह भी सलाद लो, कोई दिक्कत नहीं। वजन घटाना हो तो सुबह भी सलाद और सब्जी ले लो। मैं बता रहा हूँ कभी तो वजन घटाना हो तो वे सलाद भी खाए सब्जी भी खाए दोनों खा ले। ऊपर ढकते हैं ना थोड़ा सा बीच में, ठीक है कोई बुराई नहीं। हाँ जी लहसुन के लिए कोलेस्ट्रॉल के लिए हार्ट के लिए लहसुन अच्छा माना गया, तो एक दो कली को पीस के ले लें या चबा के खा लें, सुबह खाली पेट जब पानी पीते हो उस समय चबा लो एक दो कली, कोई दिक्कत नहीं। ये गोभी गोभी वाली चीज़ें कई लोगों को गैस बनाती है, तो इसलिए थोड़ा अच्छी सब्जी नहीं मानी जाती। सुना है मैंने, मैंने खुद का अनुभव नहीं है। खटाई को तो बंद कर, इसको अर्थराइटिस में और इसमें बंद कर, बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ जी क्या आता है शुगर फ्री करके? हाँ जी जो इसमें चाय में डालने के लिए मुझे तो फालतू की चीज लगती है, पर मन करता है ले लो कभी कभी। ये नया नया खेल हो रहे बाजार में, टेस्टेड है नहीं ज्यादा। दाल वाली बात यह है कि कुछ लोगों को बुजुर्गों को छिलके की दाल लेने से गैस बनती है, यदि गैस बनती है तो मत लो, और गैस नहीं बनती ली जा सके छिलके की भी। छिलके में हम लोग नेचुरोपैथ मतलब नेचुरोपैथी वाले छिलके की दाल बोल लेंगे, हम बोलते हैं भैया धुली दाल लो। आयुर्वेद के हिसाब से जिनको गैस बढ़ने लगे बड़ी उम्र में धुली दाल ज़्यादा बेहतर है। कई लोग कहते ताकत थोड़ी उसमें ज़्यादा है छिलके वाली में, तो वो ताकत तो पर हजम तो हो नहीं रही, गैस बना रही, फिर ताकत तो और शरीर की भी लेके जा रही वो, तो ताकत का मुद्दा नहीं, जो हजम होगी वो कौन सी हो तो गैस नहीं बढ़नी चाहिए। देखिए भोजन के बाद यदि आपको सुस्ती आ रही है तो भोजन आपके लिए भारी था, वो कब बढ़ गया? भोजन के बाद सुस्ती आ रही, आलस आ रहा, नींद आ रही, तो भोजन भारी था, कफवर्धक था। भोजन के एक घंटे बाद आपको प्यास ज़्यादा लग रही है, एक सामान्य प्यास लगना, बार बार पानी पीना पड़ रहा है, तो भोजन गर्म था, मसाले ज़्यादा थे, पित्त प्रकृति का था, तो उसको कम करें। भोजन के दो तीन घंटे बाद गैस बढ़ी, तो भोजन वायु कारक था, वात कारक था, गैस बढ़ाई उसने,
तो ध्यान दें क्या चीज ऐसी जिससे गैस बन रही है उसको दूर करें, ये गाइडलाइन है। हैं? ये बढ़िया सवाल पूछा, राजमा छोले का, काला चना, राजमा छोले, ये जो दालें हैं दलहनी हैं ये बेसिकली, इन सब को एक तो गर्मी और बरसात में कम से कम लें, ठंड में पाचन अच्छा हो जाता है, गर्मी और बरसात में पाचन कम होता है, भूख कम हल्की कम हो जाती है और गैस बनाते हैं ये, अच्छे मजबूत लोगों को भी गैस बनाते हैं कई बार ये, तो सर्दी में लिए जा सकें। इसका एक नियम है लेने का, इनको भिगो दें राजमे को और छोले को, और जिस पानी में भिगोया 6 घंटे 4 घंटे उसको फेंक दिया, नए पानी में लें और कुकर में रख के या वैसे भिगोने में स्टीम कर दें, भाप दे दें और उस पानी को फिर फेंक दें, और नए उसमें फिर बघार जो भी छोंक छांक लगा के और नया पानी डालें, तो इस इनमें कुछ टॉक्सिन होते हैं, कुछ यूरिक एसिड बढ़ाने वाली चीज़ होती हैं, वो उससे निकल जाती है, दर्दों को दर्द नहीं होंगे फिर, तो ये तरीका है। उड़द के लिए भी यही तरीका है, उड़द साबुत उड़द खाते हैं कई लोग जगह, हमारे इलाके में उड़द साबुत उड़द बहुत खाया जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के इलाके में भी, तो दाल साबुत उड़द भी खाते हैं, तो वो भी यही उसको भिगो दें, पानी फेंक दें, दोबारा नए पानी में उसको उबालें। भारी होते पर सर्दी में ज़्यादा लेना चाहिए, गर्मी में बरसात में कम लें। वो कैसे दोनों में जो आपको ठीक लगे, दोनों में जो ठीक लगे आपको वो कर। क्या जी? दाल का तो ऐसा माना जाता है, जो परंपरा में दाल पकती थी ज़्यादातर मिट्टी की हंडी में बनाते थे या कांसे के पतीली में बनाते थे, तो उसमें दाल बनाते समय झाग आता था, तो झाग को उतार के तब हल्दी डाली जाती थी, उसमें काफ़ी एसिड निकल जाता था, तो जब से कुकर आया वो तरीका बंद हो गया, उसमें सब खप जाओ, तो दाल के लिए तो ये है कि ओपन भिगोने में या उसमें बनाए बर्तन हंडी में ढक दिया, और जब उफान आता है ना तो उफान के साथ कुछ छिलका सा आता है, कुछ कचरा होगा, कुछ झाग होते हैं, उन झाग को उतार दें। चावल का मेरा ध्यान नहीं है, मेरे ख्याल से चावल में ना भी कर निकालो तो भी चलेगा, निकाल दें तो कोई बुराई भी नहीं है। क्या बोले? जो पुरुष जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं फिजिकल, खूब बढ़िया कस के काम करें, मजदूरी करें, खेती बाड़ी करें, अच्छे से करें, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। भाई सुनो पूरी बात सुनो भाई, जो जिनके पाचन बढ़िया हैं, यंग लोग हैं, जवान लोग हैं, मेहनत करते हैं, फिजिकल अच्छा काम करते हैं, तो दो ले सकें, तीन भी ले सकें, लेकिन जो शुगर बढ़ गया और या बुजुर्ग हो गए, तो फिर ज़्यादा वैरायटी ना लें कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है? जैसे हमारे भोजन में घरों में देखो अभी हम आलू की सब्जी भी खा रहे, गेहूं की रोटी खा रहे, चावल खा रहे, मिठाई भी गुड़ खा लिया या मिठाई खा ली, ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं, खजूर ले लिया, छुआरे ले लिए, इस तरह की चीज़ भी ले ली, तो ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। शकरकंद खा लिया किसी ने, केले का फली खा ली, तो सारे कार्बोहाइड्रेट के, और काम करते नहीं, एनर्जी फूड ले ले, काम नहीं करोगे वो पछताएं, ठीक से गैस वूस बनाओगे, झंझट करे वो, तो बीमारी है वहाँ से। काम करें तो लिए जा सके, पर काम नहीं करते तो फिर थोड़ा सा इनमें से कम लें, वैरायटी ज़्यादा ना लें, या तो चावल ही लें या रोटी लें, ये दोनों की वैरायटी, और आलू भी, चलो दाल चावल भी नहीं भेजा, आलू की सब्जी तो ना खाओ कम से कम देवता उस समय, आलू भी खा रहे और चावल भी खा रहे और आपका आलू की सब्जी भी खा रहे, पराठा गेहूं की रोटी है तो गेहूं का पराठा है, तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो गया, माफिक नहीं आता, तंग कर रहा शरीर को, मैं टॉक्सिन बढ़ा रही।
हाँ मैं तो कहूँगा फिर गेहूँ को कम करो अपनी खुराक में से, चावल को कम करो, ज़्यादा जा गया, गरीबत का भोजन है ये। हाँ नहीं नहीं मौसम का है, गर्मी में जो जई को मिलाओ आटे में, ये जो मिलेट आजकल एक मल्टीग्रेन आ रहा है ये भी एक लफाजी हो गया, ये गर्मी में बाजरा खिलवा रहे मिला रहे, गर्मी में जो जई ये लगभग लगभग 20% डाल दो गेहूं का, मतलब पूरे आटे का, एक एक मतलब हमने एक आटे पे लिखा है उसको पढ़ लेना, बहुत विस्तार से लिखा आटे पे हमने, वो सारे डिटेल वहाँ से पढ़ लें उसको। ठंडी में बाजरा नहीं, मक्का ले लें, ज्वार ले लें, मिलट से बहुत तरह के, मैं लिस्ट तो रोज़ बोलता हूँ, नाम कोदो है, कुटकी है, श्यामक है, सवाई है, कांगनी है, हरी कांगनी है, चौलाई है, और आपका ये रागी या मड़वा है, बहुत हैं। तो जो मौसम की मिले, जो रुचिकारक लगे वो ले लें, कभी इसको पोहा बना लें उसका, कभी इसके चावल बना लें, कभी इसकी खीर बना लें, कभी खिचड़ी बना लें, और कभी ये बना लें डोसा वगैरह बना लें, इडली बना लें, तो पोहे की नहीं सबकी है, जो मिलट्स हैं इनकी सबकी सब बन सकते हैं, जैसे गेहूं का बने। गेहूं को घटाएं जरूर, गेहूं ज़्यादा है हमारी डाइट में, आलू को घटाएं, गेहूं को घटाएं, जब से ये आगे ना कोल्ड स्टोरेज, पहले सीजन पर आलू खाते थे, आलू जड़ जाता था, अंकुरित हो जाता, दालू नहीं खाते थे, लेके दीपावली से आपके यहाँ हो सका दशहरे पर आ जाता हो आलू नॉर्मल, उसमें तो हमारे यहाँ दशहरे दीपावली पर आलू आ गया था, और आपका मार्च अप्रैल तक खा जाता था, उसके बाद आलू जड़ जाता, नहीं खाते थे। अब जब से कोल्ड स्टोरेज है, 12 महीने खा रहे, हर 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 दिन से आलू खा रहे, तो काम करते नहीं, शुगर नहीं होगा तो क्या होगा। ली जा सके कभी कभी, ज़्यादा महिमा गा दी की, आजकल बाजार बनाने के लिए ज़्यादा, अब तो सब ही हो लगी भारत में ही। दो तीन दिन ही 5-6 घंटे भिगो देते हैं। आजकल एक परंपरा नई शुरू हो रही है या दोबारा प्रचार हो रहा है उसका, वो है शाम को चावल बना दिया, उसमें पानी डाल दिया और सुबह खाना उसको, हैं बासी, उड़ीसा में ज़्यादा, हाँ, और शाम सुबह बना दिया, शाम को खाया, इसको क्या बोलते हैं बासी, तो शाम वाले को हाँ है जी, छत्तीसगढ़ सरकार एक दिन पूरे राज्य में सबको खिलाया। हाँ तो ऐसा मानते हैं, और परंपरा में पहले भी खाते थे आदिवासियों में, मैं गया हूँ इसे सिंहभूम देश में, काफ़ी आदिवासी बेल्ट में घूमया हूँ, बस्तर में और इधर सिंहभूम के इलाके में, कई जगह गया हूँ, राजस्थान में उनके भोजन को भी देखा, प्रयोग उनका भोजन भी खाया उनके घर पर। तो एक तो आदिवासी थे कि जब तक पेट साफ नहीं होता तो खाने की सोचता नहीं था, वो बिल्कुल जंगली था, अब तो वो भी बदल गए, शहरी हो गए, बिना पेट साफ को कल्पना नहीं करता खाना खाना आ गया, और उसको बहुत कब्ज बहुत कम होती, जो जंगल में रहता है मल के लोग कहते थे उसको, बहुत सारे लोगों को तो लगता भी नहीं था, टच भी नहीं करता था, निकल इस तरह जाते टच करेंगे मतलब गंदगी नहीं होती। और खूब मेहनत करते थे और काम खूब करते थे, मतलब ये इस तरह का काम, दौड़ धूप बहुत थी, पैदल बहुत चले थे, तो सेहत ठीक ही रहती थी उस समय, अब तो वो भी गड़बड़ हो गए। तो उनके यहाँ ये परंपरा थी कुछ जातियों में खास तौर से, कि दो चावल बन गए जो बच गए उसमें पानी डाल देंगे, और 2-3-4 दिन बाद तक उसको उसका पानी पीते थे, तो नशा करता था जो भारी काम करे थे, लेबर का काम करे थे, हाँ मांडी हंडिया, तो हंडिया मांडी जो बोलते थे वो ताकतवर मानते थे, हल्का नशा भी करती थी, तो
उसमें से मानते हैं फर्मेंट होने से, नेचुरल जो फर्मेंट हो रहा है ये, इसमें बी कॉम्प्लेक्स बढ़ जा रहा, जो हमारे शरीर में कमी हो रही, जो दूध में मिलता है बाकी नहीं मिलता। तो खादिर डॉक्टर खादिर वाली और कई लोग ये तर्क दे रहे हैं, भाई इसको लोगे तो दूध की जरूरत नहीं, वो पूर्ति इससे हो जाएगी। तो मैं 2-3 दिन पुराने के पक्ष में तो नहीं, वो तो नशा की तरफ जाएगा, वो सेहत ठीक नहीं है। लेकिन शाम का बच गया वो, उसमें पानी डाल के सुबह ले लें, कोई हल्का सा मसाला डाल लें, कुछ उसको हल्का सा बघार दे दें, जैसा स्वादिष्ट बनाना वो आप देख लें, या थोड़ा उसको दही में मिला लें, या उससे आटा मांड लो, रोटी बना लो उसकी, सब्जी में डाल लो उसको, सब्जी में डाल लो, रोटी बना लो, कैसे ही कर लो उस पानी को, इस्तेमाल कर लेंगे तो लोग बोलते हैं वो अच्छा रहता है। हैं, हाँ पखालवा, तो पाचक होता है, पेट साफ करता है, भूख लगाता है, तो उस तरह का बासी लिया जा सके। या हमारे यहाँ बासी रोटी खाने की परंपरा थी, शाम की बच गई, सुबह खाते थे तो हल्का फर्मेंट हो जाती थी वो, मामूली सा पता नहीं लगता था। या आटा मांड कर रख दो शाम को, फ्रिज में ना रखो, खुले में रख दो, सुबह उसकी रोटी बनाओ तो नेचुरल हल्का फर्मेंटेज हो जाएगी और उसकी रोटी सुपाच्य होती है, पेट साफ करती है। हाँ जी, थोड़ा, हाँ थोड़ा सा, पर चबा कर खानी चाहिए, थोड़ा बहुत लिया जा सके, रेगुलर नहीं। देखो मुझे तो तुम कई घंटे बुलवाओ जाओ, अब जो पूछ जाओगे, जो मेरा अपना तजुर्बा बुजुर्गों से जो मिला है बताओ जाऊँगा। तो मैं सोचता हूँ 1 घंटा तो हो गया ना, मेरे ज़्यादा हो गया, हाँ जी खट्टी तो बहुत सारी चीज़ें, नींबू भी खट्टा है, आंवला भी खट्टा है, आंवला जो सात्विक खटाई है, नींबू भी ठीक खटाई है, पचने के बाद पाचक, पहले पाक फिर विपाक, विपाक में इनका प्रभाव एल्कलाइन है, आंवले का भी नींबू का भी, तो आंवले की खटाई बढ़िया है, नींबू की खटाई बहुत बढ़िया है। कभी कभी किसी को इमली की खटाई अच्छी लगती है वो भी ले ले, कोई बुराई नहीं है। आम की खटाई भी बारिश में तो अच्छी मानते हैं, उसके साथ थोड़ा, जब खटाई के साथ थोड़ी मेथी, मेथी दाना उसका प्रयोग करते हैं, सौंफ का हल्का मीठा भी डालते हैं तो अच्छा हो जाए खटाई। आम की खटाई भी बढ़ाते हैं ना आम को, तो कई लोग क्या करें, आम को एक बार उबाल के पानी फेंक दिया, खट्टी थोड़ा कम हो जाएगा, बचेगा तब भी अंदर, और फिर उसको बघार जो देते हैं तेल में, सरसों तेल में थोड़ा मेथी दाना, देसी मेथी वो डाल देंगे, और कुछ हल्का फसल का मसाला डाल वो डाल दें, और फिर बाद में सौंफ डाल दें कूट के, मोटी सौंफ, और फिर थोड़ा मीठा डाल दें तो टेस्टी होता है, नमक तो डालते ही हैं, कई लोग फीकी खाते हैं। और मैं एक बार गया आपके बस्तर के, ये दुर्ग के पास एक गांव था, आपको नाम नहीं याद आ रहा, तो वहाँ किसी के यहाँ गए हम, बहुत ये बात है बाण में की, बाबा जी से उस साल जुड़े ही थे हम तभी, तो उस घर में उन्होंने आम की, कच्चे आम को घी में या तेल में फ्राई करके और मिठाई की चाशनी, उसकी गुड़ की या चीनी की चाशनी बनाकर उसमें डाल दिया। हाँ वो मैंने पहली बार खाया था, हैं, अच्छा तो मीठा होता है वो, खट्टा मीठा, पर यदि घी में बनाते हैं तो फिर तो स्वादिष्ट लगे हुए थे। ठीक, थोड़ा बहुत तो खा सके, खाने के बाद सर्दी में थोड़ा गुड़ खा लिया मामूली से, सफ़ेद पेठी की मिठाई कभी ली जा सके, स्पंज की कभी मिठाई थोड़ी बहुत ली जा सके, कभी मन हो तो, ज़्यादा नहीं चक्कर में पड़े। फैटी लीवर का मतलब यूरिक एसिड वगैरह बढ़ जाए और लीवर पर फैट बढ़ गया माने, तो भूख बढ़ाएं पहले, एक्सरसाइज वगैरह करें, खाना हल्का करें, फल पर रहें कुछ दिन, ये सफाई कर ली, इसी से ठीक हो जा, कुछ ज़्यादा है तो अलग बात है। हाँ जी, वात और पित्त, क्या नींबू का प्रयोग नहीं करना चाहिए?
गर्म पानी में लिया जा सके, थोड़ा हल्का मसाला डाल के ले सकें, मीठा मीठा मसाला दोनों डाल के ले सको, थोड़ा सा गर्म में। इमली का मेरा अनुभव नहीं ज़्यादा, इमली का मेरा अनुभव नहीं ज़्यादा, बहुत गर्म तो अच्छा नहीं रहता, पर बहुत ठंडा भी सर्दी में गुनगुना से नहीं तो अच्छा है। देख जो आपको रुचि कारक है ना, आपको टेस्ट कौन सा लगे वो ज़्यादा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है, थोड़ी खाई जा सके, अति ना करें। क्या नहीं, जो चिराते वाला रोज पीने की जरूरत नहीं, साल में एक बार जब मौसम बदला तब पी लिया, जब मौसम बदलता है गर्मी बरसात से हम जब सर्दी में जाते हैं तब देते हैं, या फागुन में जब ये चैत्र से मतलब सर्दी कम होगी गर्मी आएगी तब दे सकते हैं, थोड़े दिन, रेगुलर की जरूरत नहीं। शुगर की हमने काढ़ा एक दवा बनाई है दूसरी, वो दे सकें। हाँ एक बात तो ये चैप्टर हो गया, अब मैं एक मूल बात कह के अभी विराम दूंगा इस क्लास को, ये ऐसा करें कल कर लें। छोटी सी बात ये है, ध्यान देंगे बस, मैं इसको दो तीन मिनट में पूरा करता हूँ। हाँ जी, महत्वपूर्ण बात है, आप भी बैठो तो थोड़ा ठीक रहेगा भाई, दो मिनट लंबा नहीं, बस वो ये कि यहाँ हमारा जो डाइट प्लान जिस तरह का, खान पान जो हमने शैली सफाई डिटॉक्सिफिकेशन पूरा का पूरा जो हमने पैकेज बनाया है, उस पैकेज में थोड़े दिन के बाद शुगर अपने आप कम हो जा, ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जा, दोनों में बहुत आराम मिलने लगे, अगर हम दवा कम कर दें, बंद करा दें। थायराइड की दवा बंद नहीं कराते, क्योंकि थायराइड नाजुक मामला है, यदि कोई आर पार के लिए आया है, ठीक करने के लिए आया, उपवास करे, रसार रहे, लंबा रखते हैं, और या घर में कच्चे पर रहे, उसका अलग उपचार है। तो अब जब आप घर जाएंगे, हाँ जी, इस बात को ध्यान से सुने, फिर लापरवाही ना हो, फ़ोन वगैरह थोड़ा रख दो कुछ देर के लिए, मेरे को मेरे ऊपर दाग ना लगे कोई, मैं बहुत साफ बताना चाह रहा हूँ। तो अभी ब्लड प्रेशर की शुगर की दवा हमने बंद कर दी, लेकिन जब आप घर जाओगे तो धीरे से जब नॉर्मल खाने की तरफ आओगे तो कुछ ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, तो उससे डरे ना, बात ठीक से समझें इस बात को, बहम में भी ना पड़े, बिना बात के नपवाते फिरो, ये जो बिना बात बहम हो तो अपने आप ही हो जा, जिन्हें बहम हो जा, फालतू की ना फिक्र ना करें, जब दिक्कत हो, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा तो अंदाजा हो जा, बेचैनी सी दिक्कत सी लगे, नपवा लो, तो डरो ना और दवा ना खाओ, और जो हमने बताया वो करो। शुगर वाले दवा खा रहे थे अपनी, तो हमने देसी दवा ले लो, मान लो नहीं काम चल रहा तो शुरू में तो देसी दवा भी ना लो अभी। तो यदि सामान्य 4-5 साल पहले किसी को ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, तो इन 10 दिनों में निकल जा, पर कोई ऐसा डैमेज हो गया था, कोई दुर्घटना घट गई थी, टॉक्सिन हो गया था कोई बॉडी में, तो हो सकता किसी का ना निकले, तो कुछ दिन कोशिश करे जो हमने बताया उसको फॉलो करे, और बढ़िया तो फिक्र ना करे, 180 तक शुगर चली जाए तो दवाई शुरू ना करे, डरे ना, 200-250, यदि आपको दवाई खा के भी 200-250 रहती थी, और बिना दवाई के 200-250 रह रही थी, डरे ना, जो हमने बताया वो करते रहें, अपने आप धीरे धीरे घट जाएगी, ब्लड प्रेशर भी घट जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, शुगर भी नॉर्मल हो जाएगी। यदि आपकी 1-1.5 महीने बाद नॉर्मल नहीं हो रही, तो फिर आप अपनी देसी दवा हमारी शुरू कर दें इसकी, या गवर्नमेंट लिखी होगी ब्लड प्रेशर की भी, वो देसी दवा शुरू कर लें, और मेंटेन करें, कोशिश करें ना हो। यदि इसके बावजूद भी नहीं कंट्रोल हो रहा ब्लड प्रेशर शुगर, तो फिर उसकी आप दवा शुरू कर दें, नहीं तो मेरा मुझे अनुभव आ रहा है सामान्य शिविरों में 80-85% लोग की जो 5-7 साल से ब्लड प्रेशर था, 5-7 साल से शुगर थी, या 3-4 साल से थी, वो दोनों काबू हो जाएं, ठीक हो जाएं। पर किसी की जटिल है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा शरीर में, तो आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगी, तो ये बात पकड़ में आ गई ना। घर में डरे ना,
और जो मैंने हमने यहाँ बताया वो करें, ये सुबह का रस लें, फल लें, भोजन को कम करें, जैसा जो भी तरीके बताए, आसन करें, प्राणायाम करें, रिलैक्स रहें, स्लांट बोर्ड पर का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा वो। पर यदि कम नहीं हो रहा तो फिर हमारी देसी दवा शुरू कर लें, जो लिखी होगी गौरव ने वो देसी दवा शुरू कर लें, या शुगर की दवा शुरू कर लें। उसके बावजूद भी 15-20 दिन के बाद नहीं घट रहा, कुछ मिलेट शुरू कर दें शुगर वाले, खास तौर से जौ का आटा शुरू कर लें, गेहूँ कम कर दें, आटा जो हमने शुगर के लिए लिखा वो बनवा लें अपना, तो जो जो बताया वो करें तो काबू हो जाएगी। बाई चांस किसी के काबू नहीं हो रही, कुछ दिन करा शुगर की दवा शुरू करी हमारी वाली, फिर भी काबू नहीं हो रही, तो अपनी दवा शुरू कर लें। और फिर कभी बिजनौर आए, पूरा 1 महीने 20 दिन जितना भी 25 दिन जितना जरूरत है एक बार पूरा डिटॉक्स कराएं, तो फिर वो छूट जाती है। शुगर पे हमने जब इंसुलिन भी फेल होगी तो भी रास्ते निकालने हैं। और उसके बाद हम बिजनौर नहीं जाना चाहते, कुछ दिन कच्चे पर रह जाओ तो शुगर ठीक हो जाएगी। जो भी खाना आका पक्का, उस पर जब रिसर्च करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, कच्चा क्या क्या खाया जा सकता है। एक व्यक्ति हैं आजकल बहुत प्रयोग कर रहे, वो बीबी चौहान गुजरात में, आंदोलन ही है उनका, भोजन की नई प्रथा करके है, एक आंदोलन है उनका पूरा, और बहुत पॉपुलर हो रहा गुजरात में, देश भर में। वो बीबी चौहान करके एक व्यक्ति हैं, यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, बीबी चौहान, और भोजन की नई प्रथा। वो तो सुबह उठने के बाद पानी भी नहीं, मना करें पानी भी मत पियो 6 घंटे तक, उसके बाद आग का पका ना लेके सब्जी फल खाओ, सब्जी खाओ, सब्जी का रस लो, फिर भूख लगे तो फल खाओ, और शाम को भूख लगे थोड़ा मुर्रा उर्रा चने के दाने थोड़ा खा लो, एक समय भोजन लो शाम को बस। और सारे न कुंजल कराते, न आसन, न प्राणायाम, झंझट में नहीं पड़ते वो, बस खाने पर ध्यान दो और अपना काम मस्त रहो। पर मैं थोड़ा सा मानता हूँ, थोड़ा अतिवाद सा है, फिर भी बहुत लोग उससे ठीक हुए हैं। तो कच्चे पे थोड़ा महंगा पड़ता है, 2-2.5 गुना पड़ता है वो, है ना, अंकुरित लिए जा सके, नट्स लिए जा सके, फ्रूट, ड्राई फ्रूट बहुत महंगा पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो इतना स्वादिष्ट लगता है, इतनी रुचि बढ़ जाएगी, फिर लोग मन नहीं करता छोड़ने का। पर वो तो घर में उपलब्ध नहीं सब जगह आजकल, आदत कहीं मिलता नहीं, इसलिए फिर वही लेना पड़े नॉर्मली हमें। यदि उसकी परंपरा बने तो कच्चे बहुत लोग रह सकें आराम से। मुझे लगता है दोपहर के भोजन में कच्चा पक्का दोनों रखना चाहिए, कुछ सलाद भी खाएं कच्ची और आग का पका भी हो। तो घंटी बज गई, टाइम का भी हो गया, और 2-3 चीज रहेगी मेरे लिए। एक तो ब्रेन टॉनिक, आजकल डिप्रेशन वगैरह और बच्चों की ताकत कैसे बढ़े, मेमोरी कैसे हो, नींद कैसे आए, एक मुद्दा तो ये रहेगा, लंबा चैप्टर है, 1 घंटा लेगा ये, और कुछ और थोड़ी बहुत सावधानियां हैं तो कुछ कल सुबह करेंगे, है ना। और कल दोपहर में आप जो भी आपका मूल्यांकन है, फीडबैक जो भी नेचुरल है वो आप शेयर करेंगे, और फिर कुछ बात हम करेंगे, और जो चीज़ छूट जाएगी वो कल शाम को या रात की सभा होगी, तो कल रात को एक सभा की जा सके मौका होगा, नहीं तो कुछ चीज़ छूट जाएगी तो 3 तारीख के सुबह योग में आधा पौना घंटा वहीं पूरा कर लेंगे, ठीक है। और अभी किसी के ऑर्डर वगैरह नहीं आए हों तो अभी हमारे पास सामान, हम अंकुरित लड्डू तो हमने फाइनल कर दिए, वो तो नहीं बढ़ेंगे, अब वो हमने थोड़े बढ़ा के बनाए हैं, पर जिसको मिठाई का ऑर्डर नहीं दिया वो दे दे और हम उनको उपलब्ध करा देंगे। एक नई चीज़ है, प्रयोग करके देखें, घर में अपने मित्रों में रिश्तेदारों को खिलाएं, और नई चीज़ है थोड़ा, तो घर में ठीक लगेगी तो रेसिपी लेके जाना, अपने घर बनाना, ठीक, बढ़िया। अभी हाँ, अभी एक प्राकृतिक चिकित्सा की, हाँ जी, एक प्राकृतिक चिकित्सा, कुछ और चीज़ छूट गई तो संतोष जी क्लास लेंगे, और मैं सोचता हूँ 5:15 बजे, अभी 5 बज गए ना, 10 मिनट हैं, 10 मिनट है ना, या 4:45 होंगे, तो मैं सोचता हूँ 5:15 तक